आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले PIR सेंसर और इसके प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो ये है एक PIR मोशन सेंसर जो कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में आराम से मिल जाएगा। इसकी कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसका बाय लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल रखा है, आप देख सकते हैं। इस पर बेसिकली तीन पिंस मिलती हैं, एक VCC, ग्राउंड और एक आउट। इसका यहाँ पर डाटा शीट आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर रोक के या इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके नॉलेज ले सकते हो, नहीं तो आपको इस वीडियो में पता तो चल ही जाएगा। सो, यहाँ पे इसके सामने जो कवर है उसको मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ। इसके अंदर 1.5 mm का एक सेंसर लगा हुआ है जो कि आप देख रहे हो, जो कि काफ़ी छोटा है और मार्केट में इससे बड़े सेंसर अभी उपलब्ध नहीं है, तो हमने इसी सेंसर को बाय किया है। तो इसका कवर हम वापस लगा देते हैं। इसको बनाने के लिए हमारे एक सेंसर और एक BC547 ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको ऑनलाइन ही ख़रीदना पड़ेगा, ऑफलाइन ये काफ़ी मुश्किल होता है मिलना। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक LED की, आप इसमें LED और भी यूज़ कर सकते हो, ये मैं वाइट कलर की यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं 3.7 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने 3 वोल्ट की ही लाइट यूज़ की है। आप इसमें 5 वोल्ट से 24 वोल्ट तक करंट दे सकते हो। इसको जल्दी से हम इसके कनेक्शन कर लेंगे। ट्रांजिस्टर के लास्ट की 2 पिन हमें सेंसर की आगे की 2 पिनों से कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। कनेक्शन करने के बाद अभी हमें करना पड़ेगा LED का कनेक्शन। तो LED के लिए हम पहले इसमें देख लेते हैं, जो हमारी एक लास्ट पिन बची है वो बची है सेंसर की पॉजिटिव, और जो ट्रांजिस्टर की जो लास्ट पिन है वो है हमारी LED की नेगेटिव। और यहाँ पे जो मेरे पास LED है उसमें आप देख रहे होंगे जो छोटी पिन है वो पॉजिटिव है और जो बड़ी वाली पिन है ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव को हमें सेंसर के पॉजिटिव वाली पिन से कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से कनेक्शन के बाद अब इसमें सप्लाई देने की बारी है। तो LED की जो पॉजिटिव वाली लैग है तो उसमें हमें पॉजिटिव करंट देना है, जो कि सेंसर में VCC लिख रखा है, और जो ग्राउंड है उसमें हमें न्यूट्रल यानी ब्लैक वायर जोड़नी है। तो हमने इसमें जैसे ही ब्लैक वायर कनेक्ट की यानी इसमें हमने सप्लाई दी तो हमारी LED जलना शुरू हो गई है, यानी हमारा प्रोजेक्ट सही तरीके से काम कर रहा है। अब इसकी हम टेस्ट कर लेते हैं, इसको जो हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पे एक बार हम मोशन करके देखते हैं तो हमारा सेंसर काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब देख सकते हो स्क्रीन पे हमारी LED भी काफ़ी अच्छे जल रही है। अंधेरे में आपको थोड़े LED की ब्राइटनेस पता चलेगी, तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है ये प्रोजेक्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना इस वीडियो को, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो।